हेलो एवरीवन, अमूल लाइव में आप सबका स्वागत है। आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं शिवरात्रि स्पेशल साबूदाना वड़े बनाने जा रही हूँ, जिन्हें मैंने साबूदाना बॉल का रूप दिया है। आइए देखें कैसे बनाते हैं। ये मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, हरी मिर्च। अगर हरी मिर्च ज़्यादा तीखी है तो आप इनके बीजों को निकाल कर तब हरी मिर्च का इस्तेमाल करें। वर्त वाला नमक, धनिया पत्ती, देसी घी। ये मैंने मूंगफली को बारीक पीस लिया है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा दरदरा उसमें। काली मिर्ची। ये मैंने साबूदाना लिए हैं जो नॉर्मली मार्केट में मिल जाते हैं आसानी से। इनको मैंने क्या किया, हल्का सा रोस्ट कर लिया था 2 से 3 मिनट के लिए, फिर इसे बिल्कुल ठंडा करके इसका थोड़ा ये दरदरा सा पाउडर बना लिया है, एक तरह से आटा टाइप। सबसे पहले हम आलू को मैश कर लेंगे। ये आलू जो है आपको कम से कम 1 घंटे पहले उबाल लेने चाहिए, ताकि ये आलू बिल्कुल ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद बहुत ही अच्छी तरह से ये बड़े बनेंगे, क्योंकि अगर आप गरम आलू डालेंगे तो हम इसमें मसाले डालेंगे तो ये आलू फैल जाएंगे। चलिए, ये बिल्कुल ठंडे आलू हैं तो देखिए कितने आसानी से मैश हो रहे हैं, और बिल्कुल अच्छी तरह से मैश करना है। चाहे तो आप मैशर की भी मदद ले सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ कांटे का इस्तेमाल किया है। व्रत में फलाहारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, तो साबूदाने बड़े प्रॉपर मील टाइप हो जाता है। इसको खाने के बाद काफ़ी देर तक भूख भी नहीं लगती है, और व्रत में आसानी से जल्दी से बन भी जाते हैं। ये बिल्कुल अच्छे तरह मैश कर लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये हरी मिर्ची, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पत्ती, मूंगफली का पाउडर जो हमने बनाया दरदरा पीसा है। कई लोगों को मूंगफली से एलर्जी होती है तो वो इसकी जगह काजू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो टुकड़ा काजू आता है आप उसको दरदरा पीस लें और इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये डाला है मैंने साबूदाना, जो मैंने हल्का रोस्ट करके ठंडा करके इसको पीस लिया था, और ये डाला है मैंने काली मिर्ची। मिर्ची कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये है वर्त वाला सेंधा नमक। कुछ लोगों के यहाँ सभी मसाले खाए जाते हैं, अगर वो लाल मिर्च खाते हैं तो लाल मिर्च डाल सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब नींबू का रस। इसको अच्छी तरह से हम मिलाएंगे।
इससे बहुत ही अच्छे कुरकुरे और क्रिस्पी बड़े बनते हैं। इसमें ना हमें साबुदानों को भिगाना पड़ता है, ना ही हमें इंतज़ार करना पड़ता है। हमें बस झटपट इसको हल्का सोते करा और इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, जो आलू के अंदर मॉइस्चर होगा उससे साबुदाना सॉफ्ट हो जाएगा। मैं आज इन्हें एपे पैन में बनाने जा रही हूँ, तो जब तक ये हमारा थोड़ा सेट होता है हम अपना एपे पैन गरम कर लेते हैं। मैंने एपे पैन लिया है, इसको गरम होने रख दिया है। इसको हम घी, मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ देसी घी, अमूल देसी घी। मैं इससे इसको ग्रीस कर दूंगी। पहले हमारे जो जो बॉल हैं साबुदाना बॉल बहुत ही कम ऑयल में बन जाएंगे और हेल्दी भी रहेंगे। ये देखिए इतने हमारा गरम होते हैं। ये हमारा मिक्सचर थोड़ा सेट हो गया है। अब इससे हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल नहीं है, सारा जुड़ गया है आलू हमारा। इसमें आप चाहें तो स्टफिंग भी कर सकते हैं। मैं इसमें मूंगफली डाल रही हूँ अंदर और थोड़ी सी हरी मिर्ची। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आप इसके अंदर भरना चाहें तो भर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखिए, हेलो सविता जी, हेलो मुस्कान जी। आज मैं बना रही हूँ शिवरात्रि स्पेशल साबूदाना बॉल्स, एपे पैन में बना रही हूँ मैं। इसी तरह हम और बॉल्स तैयार करेंगे और एपे पैन में रखते जाएंगे। थैंक यू सविता जी। व्रत में कई बार तला हुआ खाने का मन नहीं करता है, तो आप इस तरह से हल्दी बना सकते हैं। मैं साबुदाना बॉल बना रही हूँ मुस्कान जी, शिवरात्रि स्पेशल। मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। मैंने इसके लिए उबले आलू लिए हैं 3 से 4 मीडियम साइज़ के। जो आलू हैं उनको हमें पहले ही उबाल लेना चाहिए 1 घंटे पहले, ताकि हमारे आलू बिल्कुल ठंडे हो जाएं।
क्योंकि गरम आलू के अंदर जब हम कुछ मसाले डालते हैं तो वो फैल जाते हैं। और मैंने साबूदाना लिया है, इसको मैंने हल्का सा 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया था और उसको पूरा ठंडा करने के बाद मैंने इसको मिक्सी में दरदरा पीस लिया है। और मैंने इसके लिए हरी मिर्च ली है, व्रत के स्पेशल नमक लिया है सेंधा नमक, ब्लैक पेपर, और मैंने जो ये मूंगफली ली है, ये भुनी हुई मूंगफली थी, इसको मैंने हल्का सा भूनकर दरदरा इसका पाउडर बना लिया है। और ये देखिए हमारे प्रॉपर बन गए हैं। इसमें स्टफिंग के लिए आप इसके अंदर मूंगफली भी भर सकते हैं, जो आपका मन करे इसके अंदर भर सकते हैं, ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमारी सारी बॉल्स रेडी हो गई हैं। अब इनके ऊपर थोड़ा हम घी और लगा देंगे ताकि थोड़ा क्रिस्पीपन के लिए आए। जो हेल्दी खाना पसंद करते हैं व्रत में, उनके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। चलिए मैं पलट देख के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा हमारा ये सिका है, कितना अच्छा कलर आया है। इसी तरह हम इन्हें पलट देंगे। जब तक हमारी आपके तैयार हो रहे हैं, हमारी बॉल्स तैयार हो रही हैं, तब तक हम इसके साथ एक डिप बना लेते हैं। ये डिप बनाने के लिए मैंने क्या किया है, हरा धनिया पत्ती ली है, इसे थोड़ा मोटा मोटा चॉप कर लेंगे, ग्राइंडर में डालेंगे। मिर्ची जितनी आप अपना तीखा खाना पसंद करें उतना ले सकते हैं, मैंने 3 से 4 मिर्ची ली हैं। मैंने यहाँ पे मूंगफली इस्तेमाल की है और व्रत वाला नमक। ये मेरे पास कटी हुई मिर्ची थी, मैं इन्हें भी यूज कर रही हूँ। और ये मैंने यहाँ 3 से 4 चम्मच दही लिया है, ये दही मैंने अमूल का लिया है, अमूल दूध से ही जमाया हुआ है, और इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसे पीस के लाती हूँ। देखिए हमारे अप्पे भी तैयार हो रहे हैं, बॉल्स भी हमारी बहुत अच्छी कुक हो रही है। देखिए
हमारी चटनी तैयार है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब इसको हम इसमें डाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सिक रहे हैं हमारे। इसे बीच बीच में पलटते हैं तो अच्छा रहता है, चारों तरफ से सिक जाता है। जो साबुदाना जो हमने ड्राई डाला है वो आलू के पानी, जो आलू में मॉइस्चर था उसी से वो कुक हो जाएगा। थोड़ा सा घी लगा लें। आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें। देखिए कितना अच्छा इसमें आ रहा है कलर। दस से पंद्रह मिनट इसमें लग जाता है कुक होने में। जब तक ये हमारे रेडी हो रहे हम प्लेटिंग की तैयारी कर लेते हैं। ये हमारे अप्पे रेडी, हमारे बॉल रेडी हो गए हैं। देखिए हमने इसके अंदर बिल्कुल भी साबुदाना को नहीं भिगोया था, तब भी देखिए कितने सॉफ्ट हैं। और अभी ये बहुत गर्म है, ठंडे होने पे बिल्कुल सेट हो जाते हैं ये।
देखिए फ्रेंड्स, साबूदाना बॉल्स, मेरी रेसिपी को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।